हेलो भाई, यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो भाई, अभी आपको मेरे सामने ये प्रथम की गाड़ी दिख रही होगी, तो ये तो है भाई आज की तारीख में, जो कि है भाई 7 फरवरी। ये तो वीडियो शूट हो रही है 7 फरवरी की। अभी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सा डिस्क्रिप्शन, अब उससे पहले वाली वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी भाई क्या हुआ, इसकी गाड़ी में कुछ आ रही है दिक्कत। प्रथम की जो गाड़ी है इसमें दिक्कत आ रही है। दिक्कत दो चीज की बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो इसके आ रही है भाई गियर बॉक्स में दिक्कत। डीसीटी का मतलब आप भी जानते होता है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन, ठीक है, जिसमें दो क्लच होती है, जो एक के बाद खटाक दी सी दूसरा बदल देती है, वो जर्क फील नहीं होने देती बीच का, ठीक है। तो इसकी गाड़ी में वो जर्क फील हो रहा है। मान लो फर्स्ट में चल रही है, फर्स्ट से जैसे ही सेकंड में डालेगा वो जर्क फील होएगा, ठीक है। ये चीज इसने कहा, हो सकता है भाई मेरा वहम हो, तू चला के देख। भाई मैंने भी गाड़ी चला के देखी, हम 3-4 जनों ने वो महसूस करी, और भाई वो जर्क है, ठीक है। वो इतना नहीं पता चलेगा कि बिल्कुल ही आपकी गाड़ी ब्रेक ले रही है और फिर उठ रही है, ऐसा जर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन हाँ जर्क आपको फील होएगा। तो अभी मेरे कुछ भी बोलने से पहले आप लोग ये वाली क्लिप देखो, फिर हम बाद में बात करते हैं। हेलो भाई, यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। तो भाई अभी मैं और प्रथम ऐसे ही आए थे बातचीत करने के लिए। अभी क्या हो रहा है, ये चूहा मेरे को कह रहा है कि इसकी गाड़ी में कुछ दिक्कत आ रही है। अभी भाई खोल इसको, अभी वो दिक्कत मैं आपको बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले तो वो दिक्कत है भाई, जैसे कि आप जानते हो इसके पास है क्रेटा टर्बो, तो क्रेटा टर्बो में आता है डीसीटी, जिसकी फुल फॉर्म होती है डुअल क्लच ट्रांसमिशन। डीसीटी का मैं पहले बता देता हूँ आपको फंडा क्या होता है। इसमें दो क्लच होती हैं, जब गियर बदलती है तो ऐसी चढ़ी रहती है, देखो ऐसे ये बिल्कुल यूं चिपकी रहती है और ये तुरंत गियर बदल लेती है यूं। जो हमारी नॉर्मल गाड़ियां होती हैं जिनमें टॉर्क कन्वर्टर वगैरह होता है, उसमें ये चीज़ नहीं होती, उसमें गैप होता है ज़्यादा, और जब जब हम गियर बदलते हैं तो वो एक जर्क लेती है। डुअल क्लच में जर्क ना लेगी, तुरंत खटाक 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 ऐसे बदलती है। तो जो इसका खटाक खटाक है, यानी कि जो इसका ट्रांसमिशन है, वो अब क्या दिक्कत दे रहा है वो आपको चूहा बताएगा। तो भाई बताओ। भाई 2-4 दिन से है ना इसमें ये दिक्कत आ रखी है, 2-4 दिन भी शायद ज्यादा ही हो गए, कि है ना गियर शिफ्ट करती है ना, तो ऐसा लगता है दूसरे तीसरे गियर में स्पेशली कि लैग मार रही है। अच्छा। कभी लगता है कभी नहीं लगता। हाँ। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कोई चीज में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है ना, तो इसमें शुरू स्टार्टिंग स्टेज है, इसके बाद ये दिक्कत बढ़ेगी। हाँ। तो भाई ये गाड़ी अभी मैंने भी चला के देखी, अभी मैंने भी ये चीज ऑब्जर्व करी, हमने 3-4 लोगों से और से चलवाई, उन्हों का भी यही कहना है कि भाई ये डीसीटी जो पहले, मतलब पहले जब हम चलाते थे इस गाड़ी को, जो मैंने बहुत चलाई है यार, एक तरीके से ये इसके बाद मेरी ही है गाड़ी, तो इतनी चलाई है मैंने कि मेरे को पता है कि इसमें लैग तो है ही नहीं बिल्कुल, जैसे नॉर्मल में होता है। तो वो चीज आती है, जैसे मान लो सेकंड गियर में चल रही है आपकी गाड़ी, सेकंड से जैसे ही थर्ड में मारेगी ना ऐसे मारेगी ठक, और इसको मारना बिल्कुल चिपका के है। तो ये चीज है। दूसरी चीज बताओ भाई क्या थी दूसरी। भाई ये पैडल शिफ्टर है ना, 15-20 दिन बाद ही मैं गाड़ी ले गया था, जो 1000 किलोमीटर वाली सर्विस होती है ना, मैंने बोला था कि भाई ये इसका रंग उतर गया है इतने दिन में ही, तो ये ऑर्डर कर दो, अभी तक वो आया नहीं है। मेरी गाड़ी 17,000 चल चुकी है, देख लो भाई, ये देख लो भाई 17,000 किलोमीटर चल चुकी है, ये कर लिया फोकस। और ये कितने दिन पे ही उतरने लग गया था? ये उतर ही गया था 3-4 दिन बाद। आपने हल्का सा तो उतरा हुआ था, फिर उतरता ही चला गया, और ये बिल्कुल ठीक है, ये वाला देखो, इस पे से उतरा नहीं हुआ था, तो ये बिल्कुल साफ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब आप हुंडई लेके गए तो उन्हों का क्या कहना है कि हम ऑर्डर पे डाल देते हैं और फिर आ जाएगा, और फिर जितनी बार भी कहते हैं अभी आया नहीं, अभी आया नहीं है। तो आप इसके बाद कितनी बार होया है आप? 3-4 बार मैं उनको बोल चुका हूँ भाई, 4 बार में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और ये गियर वाली जो दिक्कत है ये अभी लेटेस्ट, ये अभी लेटेस्ट आई है। ये भाई वैसे इतनी जल्दी आनी नहीं चाहिए थी, वो बात वो भी यार 17,000 तो कुछ भी नहीं है, ये तो है कि थोड़ा बहुत रफ चलाते हैं, लेकिन हाँ। भाई 21 लाख रुपए की गाड़ी है, इतनी जल्दी खराब होगी तो भाई कैसे भाई रफ तो कितनी चलाते हैं, और मैं तो स्विफ्ट कितने हमारी गाड़ी में तो आज तक कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी इतनी जल्दी थोड़ी खराब, 1 साल भी नहीं हुआ अभी तो गाड़ी। हाँ जब 17 ही चली है अभी तो कुछ भी नहीं चली है। तो अभी आप इसकी कितनी सर्विस करा चुके हो? अभी तो इसकी दूसरी आएगी, देखो एक तो 1000 किलोमीटर वाली वो जो चेकअप वगैरह होता है, उसके बाद मेरी ये गाड़ी कंप्लेंट वगैरह पे गई थी। अच्छा। कि इसका एयर प्योरीफायर की भी कंप्लेंट है, मैंने उनको बोला था कि ये ठीक से चल नहीं रहा है, उन्होंने बोला हमने ठीक कर दिया, लेकिन ये कुछ ठीक नहीं करा था भाई। और भाई ये एयर प्योरीफायर की जो प्लेसिंग है वो बहुत गंदी दे रखी है, ऐसे आप हाथ रख के चलाओगे तो ये टच होता रहेगा, तो ये टच होता रहेगा, खराब हो गया है, ये लॉक करने के बाद भी वहां से कभी भी ऑन ऑफ हो जाता है, ये गलत है यार। तो भाई अभी तो हमारे पास आज तो टाइम है नहीं, हम कभी और चलते हैं, हुंडई चलेंगे। अभी तो भाई को भी कोई अर्जेंट काम से जाना है और मेरे को भी किसी अर्जेंट काम से जाना है, कि भाई कल ही चल पड़ो भाई, कल नहीं अभी थोड़ा रुको। हाँ क्योंकि गाड़ी यूज करनी है अभी मेरे को, काम वाम है, इसलिए थोड़ा जल्दी करवाना है ठीक, क्योंकि टाइम भी लगेगा आपको पता है इसमें गियर बॉक्स नहीं, वो तो टाइम लगेगा, आप सही कह रहे हो,
तो देखते हैं गाइस, वो तो जब भी हम वीडियो बनाएंगे वो तो आप लोगों को पता चली जाएगा कि हम कब जा रहे हैं। तो ये यार मेन है ना, मतलब देखो ठीक है ये समझ आता है कि चलो खराब हो गया पैडल शिफ्टर भाई, उसकी उंगली लग गई होगी, वो चेंज कर रहा होगा, उससे पेंट टूट गया। लेकिन यार ये चेंज तो करना चाहिए था अभी तक इतना टाइम। जब आपने भाई 5-6 बार आप बता रहे हो, आपने इनको रिमाइंड कर दिया, जब भी इनका कॉल वॉल नहीं आता फिर उन का कॉल आता है फीडबैक के लिए, लेकिन फिर मैं इतना वो करता नहीं, मैं 10 out of 10 दे देता हूँ क्योंकि मेरे और काम सही हो जाते हैं। लेकिन यार अब हद ही पार हो गई है कि 1 साल होने वाला है अप्रैल में गाड़ी को, और ये भी अभी तक आया नहीं, और गियर बॉक्स भी खराब हो गया और इसका भी उतरने लग गया, ये देख सकते हो आप। तो भाई देखा आपने, ये भाई ने जो भी अपनी प्रॉब्लम बताई वो सारी आपने सुन ली प्रॉब्लम। अभी हम मैं इसीलिए ही आया हूँ कि मतलब ये अगर गाड़ी छोड़ देता है, मान लो गियर बॉक्स की दिक्कत है, तो वो गाड़ी अगर बोलते हैं हुंडई वाले की गाड़ी छोड़नी पड़ेगी तो ये आएगा कैसे, तो हम दोनों फिर साथ एक गाड़ी में आ जाएंगे। तो ये है भाई मेरे तो आने का रीज़न। बाकी यार ये चीज़ मेरे को हुंडई की पसंद नहीं आई भाई। चलो मैं ये नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ कि चलो ठीक है गियर वाला जो इसने पेडल शिफ्टर वाली जो चीज़ बोल रखी है उसका पेंट उतर गया, कोई बात नहीं। लेकिन यार गियर जैसी दिक्कत, मान लो ये कभी अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा हो रात का टाइम और इसी गाड़ी ने धोखा दे दिया, अटक गई इसकी गाड़ी के गियर हैं यार, कुछ भी या कुछ भी सो एंड सो दिक्कत आ गई भाई, तो ये बेचारा क्या करेगा यार, ये तो रात को फंस जाएगा। ठीक है माहौल आपको ही पता है कैसा है आजकल का, तो भाई ये तो बहुत ही मतलब पता है आप लोगों को भाई, हम लोग ट्रिप पे जाने वाले थे लेकिन इस चक्कर में गाड़ी ट्रिप पे नहीं लेके जा पा रहे, ये गाड़ी छोड़नी पड़ेगी यार, क्योंकि ये वही वाली बात है। अभी जैसा मैंने भी आपको बताया, इसने भी बताया कि अभी ये स्टार्टिंग स्टेज, ठीक है अगर अभी यहाँ पे सुधरवा ली तो हो सकता है ये जल्दी ठीक हो जाए, अगर मैं इसको चलाता गया तो हो सकता है भाई ये जल्दी और खराब हो जाए। तो ये मेरे को की चीज गलत लगी भाई, जब इसने इतने दिन से बोल रखा है, इतनी सर्विस भी कराता ला रहा है गाड़ियों की, जब इसने बोल रखा है कि मेरा पैडल शिफ्टर चेंज कर दो तो वारंटी में क्यों नहीं कर रहे, और अगर नहीं करना तो आप डायरेक्ट बोल दो कि जी हम नहीं कर सकते इस चीज को, आप गोली क्यों दे रहे हो सामने वाले को। ठीक है दूसरी बात, इसने एयर प्योरीफायर की जो यहां पर होता है उसकी इसने कितनी बार बोल रखी है कि भाई मेरी गाड़ी का एयर प्योरीफायर चेंज कर दो, तो वो भी आप लोग नहीं कर रहे, तो ये चीज मेरे को हुंडई आपकी बहुत गलत लगती है। ठीक है अभी देखो भाई कोई हेट नहीं दे रहे हम, ठीक है हुंडई को हेट तो वैसे ही मिल गई जब से पाकिस्तान वाला इन्होंने कांड कराया, जब से बहुत ही हेट मिल गई, तो हम हेट नहीं दे रहे हैं। क्रेटा बहुत अच्छी गाड़ी है, जनता यूज कर रही है क्रेटा गाड़ी, आज के टाइम में बहुत ज्यादा बिक रही है, दो ही गाड़ियां बिल्कुल ट्रेंडिंग में, सेल्टोस और क्रेटा। लेकिन अगर ऐसी दिक्कत आएगी तो भाई हम तो नहीं झेल सकते ना यार ऐसी चीज, ये तो अभी तो 17,000 किलोमीटर चली है, और रही बात तो फिर तो यार मारुति है देख लो, 51,000 चल गई मेरी, तो 51,000 में मैं इतनी ड्रैग रेस करता हूं, इतना सब कुछ करता हूं, मेरी गाड़ी में तो आज तक कोई दिक्कत नहीं आई भाई। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है हुंडई, मेरे को जवाब चाहिए हुंडई, मैं ऐसे नहीं सह सकता भाई, हद हो गई यार। मतलब वो बंदा बिना गाड़ी के रहेगा ना, अगर उसको ये देनी पड़ गई तो वो बेचारा अपना कम्यूट कैसे करेगा, ये तो बहुत गलत चीज है हुंडई, ये तो सुनवाई तुम्हारी बहुत बिल्कुल बेकार है, नहीं भाई ये चीज तो गलत है भाई। तो ठीक है अभी हम जा रहे हैं और जाके आपको बताते हैं। ये क्लिप आपने देख ली थी, अभी ये आगे आगे चल रहा है मेरा, हमने मीटअप पॉइंट बना लिया था कि यहाँ मिल जाइयो मेरे को, तो अभी हम दोनों हुंडई जा रहे हैं, फिर बताते हैं आपको कि भाई क्या इनका बिहेवियर वगैरह कैसे रहता है, ये हमारी दिक्कत को सॉल्व करते हैं या नहीं करते, क्योंकि देखो भाई हम पहली बार नहीं बोल रहे हैं, हम ये कई बार बोल चुके हैं, और 17,000 किलोमीटर पे ये ऐसी दिक्कत आना, ये तो भाई बहुत गलत चीज़ है यार, ये बहुत ज़्यादा। ठीक है तो ये हम देखते हैं अभी कि क्या होता है क्या नहीं होता, तो अभी जा रहे हैं भाई हुंडई के शोरूम में, फिर आपसे मुलाकात करते हैं, हुंडई के शोरूम में मिलते हैं। अब आप लोगों से हुंडई, अभी शायद मेरी तो मारुति की है तो मेरी गाड़ी तो अंदर नहीं जाने देंगे ये लोग, मैं बाहर ही लगाता हूँ अपनी, मैं बाहर ही लगाऊंगा, क्योंकि अगर उसकी भी मारुति की होती है मेरी भी हुंडई की होती तो हम दोनों अपनी अंदर लगा लेते, लेकिन मेरी कंपनी अलग है ना भाई, तो ये तो ठीक है, ये तो कंपनी का उसूल होता है कि दूसरी कंपनी की गाड़ी नहीं घुसेगी अंदर, ये तो सर्विस स्टेशन है शोरूम नहीं है भाई ये, तो मैं अपनी यहाँ लगा लेता हूँ, ऐसे ही लगा दूँ ना, ऐसी क्या हो गया ऐसे में, क्या दिक्कत है तो और गाड़ी लगी ना। अरे तो कोई दिक्कत नहीं उस्ताद, मैं यहीं हूँ, गाड़ी तो लगी रही है, हैं सीधी करके लगा दो, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ ऐसी लगा रहा हूँ जैसी अभी है। ये देखो इतनी जगह बचा ली मैंने तुम्हारी, दरवाजा भी नहीं खुलेगा मेरा, तो भाई अब चलते हैं एक बार हुंडई के जरा अंदर, करी गाड़ी हमने लॉक, खुल पाएगा या नहीं, खुल तो जाएगा लेकिन निकल नहीं पाऊंगा, कोई नहीं इधर से निकल लेते हैं भाई। ये रिचुए की गाड़ी यहाँ पे अभी इसने खड़ी कर दी है,
और अभी देखते हैं यहाँ पे कौन है देखने के लिए। गाड़ी तो भाई कई है यहाँ पे, ये देखो गाड़ी तो कई आई हुई है। अंदर देखते हैं भाई, बात करते हैं फिर आपको बताते हैं। इसका तो खिंचवाया नहीं रही है, अभी उतरा है इसका साइड में से। अच्छा, और एक इसके डीसीटी में दिक्कत आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है बताइए। जैसे रिवर्स लगाते हैं ना, ब्रेक पैड में पूरा फील होता है, घटक देनी आवाज़ आती है और मुश्किल से जाता है। और जब डी में चलाते हैं, जैसे आगे सामने चला रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा है ना जर्की फील होता है। स्कैन लेके आऊँ सर मैं? हाँ स्कैन कर लो आप। एक बीएस का एयर प्योरीफायर में भी है ना प्रॉब्लम आ रही है। पिछली बार भी ठीक करवाया था मैंने, ये अपने आप ऑन ऑफ होता रहता है। ये हाथ रहेगा तो हो जाएगा? नहीं, हाथ बिना लगे। अच्छा जी, बिना लगे खराब हो गया ये। ये टर्बो, कभी टर्बो मोड में आ जाता है अपने आप ही। बंद कर दो, लॉक कर दो स्क्रीन जब भी। हेलो, बिल्कुल समझ रहा हूँ। अभी कंडीशन क्या है कि इसमें मैंने सिस्टम पूरा चेक करा है, उसको लर्न करा है दोबारा से गियरबॉक्स को, डीसीटी को। ठीक है, अभी मैंने आर पे डाला है, बिल्कुल फीलिंग नहीं आ रहा है गाड़ी। आर भी नहीं आ रही, वो बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल ठीक है। अभी न्यूट्रल है, मैं डी पे डाल रहा हूँ, कोई फर्क मत। नहीं, डी पे नहीं आती। ठीक है सर, आर पे आती है। आपके कहने आर पे आती है, मैंने आर पे कर दिया, बिल्कुल ओके है। और जैसे जब गियर शिफ्ट करती है, जब गाड़ी चलती है ना, हाँ जी, तो हल्का सा कभी कभी बीच में दूसरे तीसरे गियर में ना ऐसा लगता है कि सांस सी छोड़ दी गाड़ी ने। अब बिल्कुल नहीं छोड़ेगी वो, क्योंकि वो मैंने लर्न कर दिया। देखा, आपने देखा कि मैं लर्निंग कर रहा था। कुछ था इसमें, मतलब कुछ आपको मिला? देखो सर, ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला अलग से, बट इसके लिए एक बार स्कैन से लर्न कर दो, अगर थोड़ा बहुत लर्निंग कुछ इशू होता है तो दिक्कत आती है, वो सही हो जाती है। अच्छा जी, जैसे मैंने भी चलाई थी तो पहले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दूसरे से तीसरे में आती है ना, जब एक बार सांस छोड़ती है। एक बार चला के मैं देख लेता हूं। हां, चला के देखो। संजीव, मनोज, तो गाइस आ गए हम रोड टेस्ट पे। अभी देखते हैं जो हम जो दिक्कत बता रहे हैं वो फील होती है या नहीं, जो लर्न करा है इन्होंने उसके बाद। अभी तो सेकंड गियर में है ये देखो। अगर देखो पहले दिक्कत हो सकती है, पहले मैंने चलाया नहीं, ठीक है, बट ये जो लर्निंग करा है ना, लर्निंग से कई बार अगर आपने ना, ऐसे मैं बात करूँ आपको, तू आ एक बार सीट पे, ड्राइविंग सीट पे। हाँ एक बार, ये नो प्रॉब्लम, आओ, ये ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा ना। बिल्कुल सर, हाँ जी, ड्राइविंग आप कर रहे हो। हाँ वो तो ओनर का फर्क हो ही जाता है। मैं पीछे बैठ जाऊँ ना? हाँ आप आ जाओ पीछे। भाई अभी प्रथम खुद ही चला के देख रहा है कि जो दिक्कत थी वो आ रही है या नहीं। किस नाम चैनल है सर अपना YouTube के? यज्ञ शर्मा के नाम से। गाड़ियों के बारे में डालते हैं? हाँ गाड़ियों का ही है। अभी आपको थोड़ी कॉल आया था ना, चेन्नई से कॉल आया था मेरे पास। अच्छा अच्छा, अभी अभी हुआ। हाँ जी, अभी तीसरे से चौथे में, हाँ, एकदम से इसने है ना 2000 से नीचे आरपीएम पे गियर शिफ्ट नहीं करती। अगर रेस आप ज्यादा दबाओगे रेस का पेडल तो लेट चेंज करेगा गियर। नहीं नहीं, 2000 के पे ही है, 2000 के बाद ही करेगी, चाहे कितना ही लाइट फुट रख लो। अभी इसने वो करा। बिल्कुल सर, आप आराम से दबाओ। नहीं अब ठीक हुआ, पांचवे में ठीक है। बट वो डिपेंड करता है कि हमने रेस का पेडल कितना दबाया है। अगर हमने ज्यादा तेज दबाया तो है इसमें यार प्रॉब्लम तो है, 100% है, मैंने इतनी चला ली, प्रॉब्लम तो है। एक बार दोबारा हाईवे पे ले ले, तीसरे में है अभी, अब चौथे में आई, अभी ठीक चल रही है, अब ठीक है। अभी इसने वहां करी गड़बड़, ब्रेक लेके उठाई हो अभी। ब्रेक ले रहा हूँ। हाँ नॉर्मल फुट है, ठीक है, करती है एक आधी बार तो करती है, नहीं है, है दिक्कत इसमें, ठीक नहीं हुई है, अभी ठीक है। ये मेरे ख्याल में वही स्टेज है जिसमें दिक्कत आने से पहले रहती है ना, हल्की हल्की। मेरे ख्याल में शोभ इसलिए नहीं कर रही है स्कैनिंग में।
भैया लेकिन इसका तो करके दो यार शीशों का। सर आधे पे आवाज करेंगे। अरे नहीं करते भैया, वही तो कह रहा हूँ मैं। 21 लाख रुपए देने के बाद भी शीशे बजेंगे तो यार पहले तो नहीं बजते थे। आप शीशे वगैरह कसवा सकते हो ना। अगर कसवाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ सर। हाँ। अगर प्रॉब्लम सामने आए आप कह रहे हो आधे पे। अरे देखो हमने खोल दिए, थोड़ा सा खोल दो। अब इसमें क्या ऊपर का जो सपोर्ट है ना हट गया, ये पहले नहीं बजते, पहले नहीं बजते थे। और ये हमारे पास भी गाड़ी है, हमारी में नहीं बजते। जरूर बजते होंगे सर, ऊपर का सपोर्ट हट गया ना, क्योंकि ऊपर से लूज हो गया शीशा, ये तो हिलेगा हिलेगा। तो भैया नहीं में क्यों नहीं हिल बजते थे फिर, ये तो बताओ। मैं तो बेकार ले लिया यार ये गाड़ी, मेरा तो मन ही खराब हो गया शीशे की। आप ये ठीक ही नहीं कर सकते तो यार, सबसे गंदी चीज लगती है। 21 लाख में तो आप भी जानते हो कि कई ऑप्शन है, जब इस पे लगाए हमने 21 लाख रुपए तो। या तो आप ये बोल दो कि आप ठीक नहीं करोगे, मैं फिर दूसरी डीलरशिप पे ले जाता हूँ इसको। सर देखिए आप तो ऐसी बात कर रहे हो यार, अब बात बताओ ना। आप यूं ही कह रहे हो कि होएगा होएगा, आप मान ही नहीं रहे हो मेरी। नहीं होते थे भैया ये। और ये एयर प्योरीफायर अभी ठीक चल रहा है, आप एक बार इसको स्कैन वैन करके जो तरीके से रखना है आप गाड़ी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी अपना टाइम वेस्ट करने तो आया नहीं हूँ, ये कुछ दिक्कत दे रहा है जब ही आया हूँ। ये अपने आप ऑन ऑफ होता रहता है, इसकी स्क्रीन लॉक रहेगी, इस पर हाथ भी नहीं लगेगा, जब भी ऑन ऑफ होता रहेगा कई बार। मैं भी देखना चाहता हूँ सर प्रॉब्लम। अभी ऑन है ना ये, वही है सीधा सीधा राइट, कभी करता है कभी नहीं करता, वही वाली बात है। मैं कितनी देर तक आपको बैठ के इसमें दिखाता रहूं, इतना ना टाइम आपके पास है ना मेरे पास है। बिल्कुल सर आपके पास सही है। नहीं इसकी तो दिक्कत है एयर प्योरीफायर की, तो कभी भी एयर प्योरीफायर। और यार ये शीशे भी नहीं बजते यार, पहले वॉक्सवैगन रखी हुई है मैंने, पोलो भी है उसमें नहीं बजते। सर आप कह रहे नहीं बजते, मैं आपको नई क्रेटा या नई अल्काज़ार से मॉडल है। नई क्रेटा आप दिखा दो, जो बिल्कुल नई क्रेटा हो हम चला के दिखा दूंगा, ये कह सकता हूँ। भाई रोड टेस्ट देख लिया आप लोगों ने, रोड टेस्ट हमने कर लिया, अभी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है। अभी मैं बताता हूँ भाई, ये जो भी हम इनको दिक्कत बता रहे हैं ना कि एयर प्योरीफायर की दिक्कत है, उसे कह रहे हैं करके दिखाओ। और भाई जब वो अपने आप ही हो जाता है ना कभी भी, भाई यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। मैंने इसकी इतनी तारीफ कर रखी है पास्ट में, लेकिन जब अब गाड़ी में असली दिक्कतें आनी शुरू हो गई ना, अब ये सारी चीज़ ठीक बता रहे हैं। एयर प्योरीफायर खराब है। हाँ। और स्कैनर में ठीक बता रहे हैं, इनकी स्कैनर मशीन भी खराब है। स्कैनर दिक्कत है फिर यार। भाई शीशे कौन सी गाड़ी के बचते हैं मेरे को बता दो यार। चल मैं अपनी स्विफ्ट के नहीं कहता, लेकिन मैं इनोवा के आज तक शीशे नहीं बचते। नहीं बचते भाई, 17,000 सारी चली है शीशे तो। ना। और जो DCT वाली जो दिक्कत है ना भाई, वो भाई चला रहा था जब कोई दिक्कत नहीं आई, जब ये ओनर ने चलाई, जब इसको एक बार आई थी भाई, ये नहीं है कि वो बहुत बड़ी मेजर दिक्कत आ चुकी है तो वो हो जाएगी बड़ी, थोड़े टाइम पे हो जाएगी बड़ी। ये कहेंगे कि आपने टाइम पे नहीं दिखाई ये वो। ना यार मजा नहीं आया यार, मैं पहली बार आया हूँ, मेरे पास कभी मैं हुंडई में नहीं आया इससे। तो भाई बहुत अच्छा है यार टोयोटा, और मारुति भी इससे बहुत अच्छी है। मैं नहीं लूंगा हुंडई इसके बाद, मैंने तो आज जोड़ ली है। 21 लाख रुपए फूकने मैंने इसलिए फूके थे, मैंने ये सुनी थी कि हुंडई की सर्विस अच्छी है, आफ्टर सेल सर्विस, टेंशन नहीं रहती हुंडई गाड़ी लेने के बाद। ये तो कोई चीज की आई नहीं बढ़ रही, ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है। फिर तो यार मैं इसको ले जाऊँ टूर पे, मेरा टूर का काम है, और वहाँ खराब हो जाएगी फिर ये क्या कर लूंगा। वही मैंने इनको बोला था पहले, मैंने कल को ये रास्ते में खराब हो जाए तो क्या होगा, मूड खराब हो गया यार सारा। मैं तो ये सोचता था कि हुंडई बहुत अच्छा होगा, मज़ा नहीं आया यार। मैं तो ये तो चलो ऑन करता है इसकी, तो हुंडई में आना जाना, मैं तो पहली बार आया और मेरे को तो बिल्कुल नहीं यार। अभी देखते हैं भाई अंदर जाके क्या बोलते हैं, उसके बाद बताओ। पता ये गियर बॉक्स की भी इसलिए आना भर रहे हो या स्कैन वैन ये प्योरीफायर, इनके पास पार्टी ना हो क्या पता। तो अभी यही बताएंगे, ये तो अभी देखते हैं भाई। वही यार कंपनी चल जाती है ना तो फिर ऐसा ही होता है, कंपनी चल गई है भाई। ये तो है ना प्रीमियम ब्रांड पे जाना पड़ेगा जो साला ढंग से सर्विस करे। हाँ। तो जितनी देखो या तो टोयोटा पे जाओ भाई, टोयोटा तो भाई सदा बाहर है, टोयोटा से दिक्कत आ ही नहीं सकती कभी। वही है भाई, ये कंपनी चल चुकी है इसीलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। MG वगैरह जो नई कंपनी है इतनी नहीं चलती। MG गाड़ी लो सर्विस A1 मिलेगी आपको MG की। भाई बोल के चलेगा हम खड़े हैं यहाँ, पागल है क्या। हाँ ये देखो कोई रिस्पॉन्स तो दो, क्या क्या करना है क्या नहीं करना। तुमने तो हाँ भर दी हर चीज के, अब क्या हम गाड़ी ले जाए, गाड़ी में दिक्कतें हैं। गाड़ी तो भाई ठीक होएगी यहाँ से, गाड़ी पे से कम छोड़नी पड़े एक हफ्ता। ये देखो भैया कितनी प्ले है, इतनी प्ले तो कभी किसी शीशे में होती नहीं है। और ये नई थी ना जब नहीं थी, अब ये मत बोलना कि भाई ये बजती ही है, क्योंकि वो भाई तो बोल गया। कौन बोल गया? एक जो दूसरे भाई जो रोड टेस्ट पे गए थे हमारे साथ, कि हर गाड़ी में बजती, BMW में तक में बजती है भाई, हमारे पास और गाड़ियों में नहीं बजते। और नई थी जब इसमें भी नहीं बजते थे, हर शीशा बजता है इसका। ये
गड्ढों में, जैसे इतना भी खुला होगा तो बजेगा ही, खुलने पे आवाज आएगी। हाँ खुलने पे आवाज आएगी, आधा खुला रहो नहीं आती। अगर आपसे नहीं हो सकता तो वो मेरे को बता दो, वो बात अलग है। मैं लिख लेता हूँ। हाँ बाकी आप कार से लीजिए, कोई बात नहीं। और अभी तो ये लॉक कर रखा है भाई, अभी इसे अनलॉक मतलब कि अभी यहाँ से भी यूज़ हो सकता है। ये देखो अभी ऑन हो गया ना, अभी इसे यहाँ से लॉक कर दोगे तो ये यहाँ से चाहे कितना ही उंगली मार लो ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये चीज़ ठीक है, लेकिन ये क्या करता है भाई, ये लॉक करने पे भी बच जाता है अपने आप ही। अभी देखो अभी चल रहा है ये, ठीक है, अभी इसमें से हवा आ रही है, देखो आ रही है ना आवाज़ आपको, ठीक है। अभी कभी कभार ये अपने आप ही कभी तेज़ हो जाएगा कभी बंद हो जाएगा, ये दिक्कत आ जाती है इसमें। तो ये देखेंगे भाई, ये दूसरा भाई भी यही कह रहा है कि इसमें से आवाज आती है। ओ यार, ये कोई इसमें मतलब से नहीं आती यार आवाज। चलिए ये तो नहीं कह रहा कि BMW में भी बजेंगे। वो तो BMW की भी कह रहा था भाई, गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं, सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया में ये भाई, मारुति के बाद हुंडई है यार। और अब तो इनका वो सीन भी हो गया पाकिस्तान वाला। तो भैया क्या ही कर रही है हुंडई, अपना नाम खराब कर रही है इतनी होने के बाद भी। ये देखो भाई अभी अलकजार थी यहाँ पे, ये भैया थे तो हमने इनसे ऐसे गाड़ी में होती है नहीं बजते ना, ये देखो भाई ये देखो कहीं से भी नहीं हिल रहे ना बजते, और अपने में किसी में नहीं बजते ना। ये देखो भाई, थैंक यू भैया। तो ये देखो यार, ये अपनी यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं हम लोग, ये अलकजार में देखा था हमने, वो भी यही कह रहे थे कि बजते नहीं है, तो यानी दिक्कत तो है। और यार मैं बताने लग रहा भाई, आ गए हैं हम लोग अपनी गाड़ी में और अब जा रहे हैं दोबारा घर। अभी देखो मैं बताता हूँ आपको, अभी इन्होंने जैसे हमने अभी आपने ये लास्ट क्लिप देखी जिसमें मैं अलकजार की वो दिखा रहा हूँ, अलकजार वाले भाई ने क्या बोला कि भाई कोई गाड़ी के नहीं बचते। अभी देखो मैं 21 लाख की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी के शीशे खोलता हूँ, ये इतने खोले और ये इतना खोला, गड्ढे में लूंगा, ये भी नहीं बज रहे, ये देखो इतने में ही फील हो जाता है, ये देखो नहीं बज रहे भाई, ये देखो ये गड्ढे में स्विफ्ट तक के नहीं बज रहे, क्रेटा के कैसे बच सकते हैं देख रहे हो अब आप। मैं तो भाई ये देख लो सामने गड्ढे आ गए थोड़े थोड़े, अब जैसी रोड है मैं उस कंडीशन में ही दिखा रहा हूँ भाई। इस रोड ऐसी कंडीशन में तो बहुत बचते, प्लेन रोड पे भी फील होते हैं जहाज पे ऊंचा नीचा प्लेन रोड हो ना थोड़ा सा। ये देख लो गाड़ी के शीशे खुले हुए हैं भाई, और तू क्या कह रहे कितने पे बचते हैं, इतने पे बच जाते हैं जितने पे आपने खोल रखे हैं, मारुति तक के नहीं बज रहे यार बताओ। तो ये है भाई, ये चीज अभी मेरे को अच्छी नहीं लगी इनकी, मतलब ठीक है आपकी गाड़ी आप मान तो लो, वो भाई तो ये कह रहा था कि ये तो BMW के भी बचेंगे, तो भाई BMW के कैसे, मारुति सबसे ज्यादा बदनाम है क्वालिटी के, नहीं बज रहे के बज रहे हैं, और वो भी प्रीमियम जो इनकी गाड़ी है सबसे ज्यादा क्रेटा 20 लाख से ऊपर की गाड़ी है। और भाई ये तो मान ही नहीं रही है, लेकिन मेरे फैमिली में किसी के पास हुंडई की गाड़ी नहीं है। हाँ एक बार हमने चूहे को भी पता प्लान जरूर करी है हुंडई की लेने के लिए, जो मैं तेरे को बता रहा था वही है ना, तो हाँ तो वो अब मेरा मन उठ रहा है भाई उस गाड़ी से। मैं तो मना ही करूंगा इसको कि मतलब गाड़ी में कोई कमी नहीं है, बाहर से ही चले जाओ बस, कोई मतलब है, हम इतनी कमी यहाँ लेके आए गाड़ी में, मेजर प्रॉब्लम्स कितने टाइम से हो रहा है, एयर प्योरीफायर हमारा खराब, वो तो मान ही नहीं रहा, स्कैनर इनका ठीक बता रहा है कि एयर प्योरीफायर ठीक है, इनका स्कैनर भी खराब है, स्कैनर ही खराब था इनका। तो देख लो यार ओनर कितना मतलब इरिटेटेड है, इतना इरिटेटेड ओनर मैं मिला हूँ इतनों से, लेकिन ये भाई भी अपने दिल की बात बोल रहा है यार, इसने बंदे ने अपनी हार्ड एंड मनी 21 लाख रुपए वहां लगाए और इसको कोई वही नहीं मिल रहा। ठीक है परफॉर्मेंस है टर्बो की, वो भी सिर्फ टर्बो में, इनके डीजल पेट्रोल में वो भी नहीं है, लेकिन भाई फिर गाड़ियां तो काफी अच्छी है, सब बहुत सारी अच्छी है, लेकिन सेल सर्विस तो नहीं है ना। हाँ। उसी की वजह से तो चेंज करी थी, स्विच करा था महिंद्रा से इस पे, कि महिंद्रा बदनाम सर्विस की वजह से। फिर तो यार फिर महिंद्रा ही लो फिर तो भाई, महिंद्रा ले लेंगे, टाटा ले लेंगे, इंडियन ब्रांड तो लेंगे कम से कम। नहीं यार ये चीज तो मेरे को भी गलत लगी। तो भाई ये था वीडियो का पार्ट वन, अगर अभी दूसरा पार्ट जब आएगा जब हम लोग गाड़ी लेने जाएंगे, क्योंकि मैं ये अकेला नहीं जाएगा, ये कल जा रहा है घूमने के लिए, तो वो आप इसके चैनल पे देखना, बढ़िया बढ़िया सीरीज निकालेगा ये चूहा, तो ये घूमने जा रहा है। उसके बाद जब हम अभी भी बताऊँ हमने गाड़ी क्यों दी है, क्योंकि भाई इसको जाना है, ठीक है, अगर ये नहीं जा रहा होता तो ये परेशान हो जाता बिना गाड़ी के, आपको पता है जो गाड़ी चलाते हैं बिना गाड़ी काम ही नहीं हो पाता यार, तो ये इसलिए हमने गाड़ी छोड़ दी कि आप सारी तकलीफ लो, आप अपनी गाड़ी ठीक करके दे दो बस हमारी, आराम से फुर्सत से है ना। तो ये चीज़ है भाई, अभी ये हो गया पार्ट वन, अभी इसमें हमने आपको सिर्फ कमियां बताई हैं, अभी जो दूसरा पार्ट आएगा ना जिसमें हम गाड़ी लेने जाएंगे उसका भाई इंतजार करना। और मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, मेरे जो इतने 56,000 की जो हमारी फैमिली है उनमें से क्रेटा टर्बो जिनके भी पास है ना, क्या भाई आपकी गाड़ी में भी ये दिक्कत है,
हैं, बस मेरे को इतना कमेंट करके बता देना। क्रेटा वाले भाई, नॉर्मल क्रेटा वाले भाई भी बता सकते हैं कि भाई आपकी गाड़ी के भी शीशे बचते हैं क्या, और जो टर्बो ऑन कर रहे हैं भाई वो बता देना कि आपकी डीसीटी में भी दिक्कत है। तो मेरे को सिर्फ इतनी चीजें जाननी है भाई, दो तीन चीजें मेरे को जो क्रेटा वाले भाई हैं प्लीज मैं जानना चाहता हूँ भाई, अगर कोई देख रहा है तो क्रेटा वाला भाई। तो यही था भाई आज की वीडियो में, मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। अभी देखते हैं ये लोग गाड़ी कब देंगे, उसके बाद में आपको जिस दिन ये गाड़ी दे देंगे उस दिन हम शूट करेंगे वीडियो, देखते हैं हमारी दिक्कतें ठीक हुई या नहीं हुई। एयर प्योरीफायर की तो मैं एक क्लिप लगा दूंगा, ओनरशिप लिया था मैंने चूहे का, उसमें भी इसने बता रखी है भाई एयर प्योरीफायर वाली दिक्कत, तो वो क्लिप मैं इसमें लगा दूंगा। अगर भाई इनको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको बता दूंगा, आज से 2 महीने पहले हमने वो लिया था ओनरशिप एक्सपीरियंस, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा इसमें क्लिप डाल के। यहाँ तक देखी तो बिना लाइक करे मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हुंडई क्या कर रहे हो समझ नहीं आ रहा, थोड़ा ठीक हो लो यार इस मामले में। पाकिस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं कभी इंडिया में क्या चक्कर है समझ ही नहीं आ रहा भाई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच।